आपका योगा विद सपना मेरी यूट्यूब चैनल में, और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लाइफ ऑफ फ्रीडम। मैं उसमें पॉलिंग से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, तो अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो नॉर्मली अबाउट सर्वाइकल पेन है कि लोगों को सर्वाइकल पेन जो हो जाता है उसको रिलीफ करने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो बात कर लेते हैं उस आसन की। उससे पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा सर्वाइकल पेन क्यों होता है, क्योंकि आपके हो रखा होगा तभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो सर्वाइकल पेन ऐसे नीचे गर्दन करने से या फिर बहुत ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर बैठने से, पढ़ाई करने से और अदर एक्टिविटी जो गर्दन नीचे करके जैसे स्वेटर बुनने से आजकल की लेडीज को हो रहा है। तो योगा, ऑफकोर्स योगा इस जो पेन है, ये जो पेन है सर्वाइकल पेन, उसको रिलीफ करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए आगे बात करते हैं आसन की। तो सबसे पहले सर्वाइकल पेन को रिलीफ देने के लिए ये आसन है, अपने पेट के बल लाई डाउन ऑन योर बैली। क्या करना है, भुजंग आसन इसका नाम है। तो आप ना दोनों पैर इस तरह से मिला भी सकते हैं, और खोल के रखना है तो खोल भी सकते हैं, मिला के ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस आसन का। तो क्या करना है, धीरे धीरे अपने पैर पहले पूरे मिलाने हैं, फिर हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखना है, ठीक है, चेस्ट के बगल में रखना है, यहां नहीं रखना है, चेस्ट के बगल में रखना है। उसके बाद क्या करना है, सीधे देखना है, बिल्कुल सीधे, देन धीरे 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 अपने हाथों की हेल्प से अपनी पूरी बॉडी को उठाना है, प्लस आपका सर भी ऐसे उठेगा इस तरह से पूरा पूरा पूरा, और हाथों को ना बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए इस तरह से, और पीछे की तरफ देखते रहिए इस तरह से पूरा, और बहुत ज्यादा अपने जो शोल्डर्स को उसको वाइड कीजिए, स्ट्रेस दीजिए अपनी बैक में, अपनी नेक में। तो इस आसन को बोलते हैं भुजंग आसन, बहुत ही रिलीफ आसन है ये आपके सर्वाइकल पेन के लिए। तो बात कर लेते हैं सेकंड आसन की। सेकंड आसन जो है वो है कैट एंड काउ पोज। तो कैट एंड काउ पोज में क्या करना है, नॉर्मली जो कैट एंड काउ पोज है ना दोस्तों, ये जाएगा एंड ऊपर ये जाएगा, तो जो सर्वाइकल पेन वाले पेशेंट्स है उनको नीचे नहीं जाना इस तरह से, बिल्कुल भी नहीं, बहुत रिस्की हो जाएगा। तो क्या करना है ना आपको, पहले इस तरह से कैट पोज में आना ऊपर की तरफ, ठीक है, पूरा स्ट्रेच देना है हिप्स, देखिए आप मेरे किस तरह से पूरा स्ट्रेच देते हुए, देन आप अपनी बैक को बेंड कर सकते हैं सीधे देख के, बिल्कुल सीधे, ऐसे नहीं जाना, बिल्कुल सीधे देख के बैक को बेंड कीजिएगा, देन आप पूरा स्ट्रेच देना, पूरा स्ट्रेच मजे नहीं लेना, स्ट्रेचिंग चाहिए बिल्कुल ना, देन स्ट्रेट देखते हुए डाउन। तो ये है कैट एंड काउ पोज। तीसरे आसन की बात कर लेते हैं, ये आसन जो है ना उसको कटी शक्ति विकासन बोलते हैं। क्या करना, नॉर्मली हम करते भी आ रहे हैं, और हम बच्चे जब बचपन में बच्चे करते भी हैं ये आसन। तो क्या करना है, अपनी कमर के बल लेट जाना है, और धीरे से ना अपने हाथों को अपने कमर पे रखना है इस तरह से, ये रखेंगे, और पूरा स्ट्रेच करते हुए ना अपने जो ये टोज है ना, टोज पॉइंट रहेंगे, और पूरा स्ट्रेच अपर साइड करेंगे, ये है कटी शक्ति विकासन। इसको विपरीत करनी बोलते हैं शायद से, विपरीत करनी आसन। तो स्ट्रेच देंगे पूरी बॉडी में और होल्ड करेंगे इसको 10 सेकंड्स के लिए, देन वापस आ जाएंगे। तो ये तीसरा आसन था हमारा सर्वाइकल पेन रिलीफ करने के लिए। चौथा आसन जो है हम बाल आसन, हमको इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज, हम इसको बोल सकते हैं, वो बहुत ही आरामदायक है। क्या करना है, अपने पूरे पंजों को मतलब अपनी जो नीज है उसको ओपन करते हुए पूरी बॉडी के साथ में स्ट्रेचिंग देते हुए, पूरा अपने हाथों को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से नीचे आएंगे और पूरा स्ट्रेचिंग देंगे, जैसे आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं, और रिलैक्स करेंगे, और हो सकता है तो अपनी कमर पे इस जगह पर किसी को बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड रिलैक्स करेंगे। तो ये जो चार आसन मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सर्वाइकल पेन को रिलीफ करने के लिए, और बहुत ही आरामदायक भी है। तो दिन में अगर आप जब भी फ्री है, या मॉर्निंग में, या इवनिंग में, या नून में, जब भी आप फ्री है, तो ये आसन कर सकते हैं और अपने सर्वाइकल पेन को रिलीफ दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट योगा की वीडियो में, योगा विद सपना के साथ में। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो टाटा।